विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व आजाद हिंद चेतना मंच के तत्वाधान में शनिवार को गोरखपुर शहर में स्थित सभी शहीदों की प्रतिमाओं चंद्रशेखर आजाद, आजाद चौक, भगत सिंह, बेतियाहाता चौराहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, हरिओम नगर, बंधु सिंह अलीनगर एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैडलेगंज की सफाई करके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीपावली दीपक जलाने के पश्चात फुलझड़ी और अनार जलाकर दीपावली मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व आजाद हिंद चेतना मंच के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व आजाद हिंद चेतना मंच के संयोजक रघुवंश हिंदू ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक वंदे मातरम, अमर शहीदों की जय, अमर शहीदों की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज जो है कि शहीदों की दिवाली हम लोग मना रहे हैं। सुबह 9 बजे से हम लोगों ने गोरखपुर शहर में जितने भी शहीदों की प्रतिमाएं हैं सभी प्रतिमाओं की सफाई किया है, वहां दीपक जलाया है और पूजा किया है। अंत में यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी के महानायक थे, वो विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति आज़ाद हिंद चेतना मंच अस्पा और अन्य बहुत सारे हमारे साथी हैं, सभी लोगों ने मिल करके यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने दीपांजलि किए हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका अनार या छुरछुरी जरा करके उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि देश की आज़ादी पर सबसे पहला हक है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है और दीपावली पर भी सबसे पहला हक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महान वीरों का है, क्रांतिकारियों का है, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया है।